शांति। आज की तारीख है 4/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जिसको ही बाद में लिखने वालों ने जब लिखा तो नाम पड़ा श्रीमद् भगवद गीता। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा गीता ज्ञान सुनाते हुए हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं, हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते वो कमजोर पार्टधारी हुए। दूसरी पॉइंट है, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो अकेला ही डांस नहीं करता, वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है, वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो ये गायन है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वो रॉन्ग हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। नंबर दो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हो वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को यदि अलग कर देती है तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।